जनसंपर्क में कांग्रेस प्रत्याशी शेषराज हरवंश ने सर्वप्रथम नगर पंचायत राहौद के गादीदाई मंदिर में मत्था टेक कर जनसंपर्क प्रारंभ किया। बस स्टैंड में अपने कार्यकर्ता से मुलाकात कर सभी का हालचाल पूछा। उसके बाद डोर टू डोर सभी मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद नगर पंचायत खरौद में आतिशबाजी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी शेषराज हरवंश का स्वागत किया। सर्वप्रथम लक्ष्मणेश्वर मंदिर का दर्शन किया। उसके बाद जनसंपर्क प्रारंभ किया जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। उसके बाद स्वर्गीय परशुराम भारद्वाज का मठ में जत्था टेक जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव विभिन्न दलों के पार्टी प्रत्याशियों द्वारा गांव में चुनावी जनसंपर्क अभियान तेज हो गया। प्रत्याशी तथा उनके समर्थक गांव-गांव में घूमकर लोगों को अपने पक्ष में रिझाने तथा आवाजों का दम्भ भरने लगे हैं। इसी कड़ी में पामगढ़ विधानसभा प्रत्याशी भी चुनावी जनसंपर्क अभियान को गति दे रखे हैं। हर कोई अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी गांव में मतदाता अपनी जुबान खामोश कर रखे हैं, जिस कारण नेताओं को उनकी इच्छा जानने में काफी मशक्कत झेलनी पड़ रही है। वैसे तो देखा जाए तो जांजगीर चांपा जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर होने की बात कही जा रही है। टीवी इंडिया 18 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेरा राम कस्त। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आप मन के बीच में उपस्थित हूँ और हमारे गाँव न मैं आप मन के गांव में रह के बीच में भगवान भोलेनाथ के संयम खड़े होके आप मन लग कहत हूँ कि आने वाला समय में 17 तारीख के जो हमारे चुनाव है तो पंजा के निशान में आप सब तमाम हमारे आदि सौरा समाज के जितका भी भाई बहनी है ते मन हमेशा कांग्रेस में जनता का समर्थन मिल रहा है। मैं गादीदाई के मंदिर परिसर के बाहर खड़ी हुई हूँ, गादीदाई के चरणों में अपना शीश नवाते हुए संगठन को प्रणाम करते हुए शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए मैं कहूँगी कि गांव-गांव जैसे हम जा रहे हैं जनसंपर्क में जन आशीर्वाद में तो कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस सरकार का उससे जनता काफ़ी खुश है और वो चाहती है कि सरकार फिर से आए और फिर उनके खुशियाँ दुगनी हो। सरकार देखिए वो पिछले जो घोषणा पत्र में जितने भी घोषणाएं हुई है और वो लागू हुआ है वो चल रहा है, उसमें से किसी भी घोषणा को कटौती नहीं करने की बात की है सरकार ने। तो उसमें एक प्रमुख घोषणा था धान का बोनस और कर्जा माफी, तो वो तो दोनों लगातार चलते ही रहेंगे। प्लस उसके साथ साथ और भी जितनी योजनाएं हैं माताओं के लिए बहनों के लिए सारे वो सब चलेंगे और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कर्जा माफी नहीं करेंगे बंद कर देंगे, कर्जा माफी होगा। जो भी हमारे किसान भाई बहन ने जो कर्ज लिया है उससे उनको निजात मिलेगा। जनसंपर्क के दौरान जिसे बात कर रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात हो सकती है कि कांग्रेस से कांग्रेस का झंडा लहराए जब इतिहास बदलेगा।